हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है जावेद खान ऑटो ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों, इस चैनल पे मिलती है आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई, साथ में मिल जाते हैं आपको नई और पुरानी कार के कुछ यूजर रिव्यूज, कुछ नई कार के वॉक अराउंड वीडियोज। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं न्यू 2021 डिजायर ZXI ऑटोमेटिक मॉडल के बारे में। इसका पूरा वॉक अराउंड वीडियो करेंगे, क्या क्या फंक्शन आपको मिलते हैं इस कार के अंदर वो पूरी डिटेल में जानेंगे, प्लस जानेंगे इसमें फाइनेंस के लिए क्या क्या ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत सबसे पहले इसके फ्रंट फेसिया के साथ में। तो काफ़ी स्टाइलिश आपको यहाँ मिल जाता है इसका फ्रंट फेसिया, जो प्रॉपर एक सेडान कार का लुक देता है। उसके अलावा बात करें, अगर आप कोई भी सेडान कार देख रहे हैं जो ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ अवेलेबल होती है या और उसके अलावा माइलेज भी सबसे ज़्यादा देती हो, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन डिज़ायर का ही मिलेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंस ऑटोमेटिक कार यहाँ पे अवेलेबल होती है आपको डिज़ायर के अंदर। अगर हम बात करें तो वीडियो के एंड में आपको मैं पूरा डिटेल बताऊँगा कितना माइलेज यहाँ क्लेम करता हूँ, कितना माइलेज आपको एक्चुअल में मिलता है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं सबसे पहले शुरुआत इसके फ्रंट फेसिया के साथ में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी कीज़ के बारे में, चाबी के बारे में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश आपको मिल जाती है इसकी चाबी, जो इसकी लुक को इन्हेंस करती है, काफ़ी बढ़िया आपकी कनेक्टिविटी को बनाती है। आप इससे लॉक अनलॉक दोनों फंक्शन तो आपको अवेलेबल होते ही हैं, साथ में आपको इसमें मिल जाते हैं काफ़ी बढ़िया फंक्शन आपकी बूट को ओपन करने के लिए भी। और साथ में बात करते हैं गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में, फ्रंट फेसिया के बारे में। तो काफ़ी स्टाइलिश आपको मिल जाता है फ्रंट फेसिया। बाकी इसमें आपको ZXI वर्जन है तो इसमें हेलोजन हेडलैम्प्स के ऑप्शन मिलते हैं, साथ में आपको इसी के अंदर मिल जाता है इंडिकेटर का ऑप्शन, जो गाड़ी की लुक को काफ़ी इन्हेंस करता है और रोड विजिबिलिटी को काफ़ी बेहतर बनाता है बैड वेदर कंडीशन के मौसम में। उसके अलावा दोस्तों, ZXI मॉडल है तो आपको नीचे क्रोम के साथ मिल जाता है, क्रोम बेजल के साथ में फॉग लाइट का ऑप्शन, जो आपको सर्दी के मौसम में भी आपकी सेफ्टी को बढ़ाता है और रोड विजिबिलिटी को काफ़ी बेहतर बनाता है। उसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं इसकी ग्रिल के बारे में। तो काफ़ी स्टाइल से आपको क्रोम ग्रिल मिल जाती है इसके ZXI मॉडल के अंदर। और अगर एयर वेंटिलेशन की बात करें तो काफ़ी ओपन एयर वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये है इसका फ्रंट डिज़ाइन फेसिया। और बम्पर की अगर बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश सा बम्पर आपको मिलता है दोस्तों, जो नॉर्मली आपको लग्जरी कार्स में भी ऐसा बम्पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो काफ़ी बढ़िया लुक देते हैं आपको। चलिए दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं इसके टायर साइज के बारे में। तो आपको यहाँ पे अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलता है सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। और बात करें इस टायर की डायमेंशन की, तो 15 इंची का ये अलॉय व्हील आपको अवेलेबल होता है गन मेटल के साथ में, जो काफ़ी बढ़िया लुक तो देता ही देता है, साथ में गाड़ी की जो रोड प्लेजर है उसको भी काफ़ी इन्हेंस कर देता है, काफ़ी बढ़िया बना देता है। बाकी दोस्तों, आपको बिल्कुल सिंपल यहाँ पे मिलता है फेंडर का ऑप्शन, बाकी इस पर आपको इंडिकेटर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आउटसाइड मिरर में इंडिकेटर LED के साथ में ऑप्शन। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये है इसका साइड प्रोफाइल, साइड से आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया डिसेंट सा लुक आता है इस कार का। उसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं आपको विंडो पे ही मिल जाते हैं क्रोम के ऑप्शन देखने के लिए, देख सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है क्रोम का काम देखने के लिए विंडो पे, जो फ्रेमिंग है उस पर क्रोम का काम आपको मिल जाता है। उसके अलावा आपकी बात करते हैं डोर हैंडल की, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर बटन, आप आसानी से गाड़ी के अंदर इन एंड आउट हो सकते हैं बहुत आराम के साथ में। आप यहीं पर बटन को दबाएंगे, चाबी आपके अगर पास में है तो आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है इस कार के अंदर। तो दोस्तों, ये तो है इसका साइड प्रोफाइल। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो काफ़ी स्टाइलिश आपको मिल जाता है इसका रियर प्रोफाइल, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिज़ायर की बैजिंग मिल जाती है, साथ में क्रोम की काफ़ी बढ़िया स्ट्रिप मिलती है आपको पूरे बूट के साथ में। और बात कर लें इसकी रियर लाइट्स के बारे में, तो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है LED कॉम्बिनेशन के साथ में रियर लाइट्स, जो काफ़ी बढ़िया लुक देती है रात के समय में। उसके अलावा बम्पर की बात करें तो आपको मिल जाते हैं 4 eyes के पार्किंग सेंसर। दोस्तों, जनरली इस सेगमेंट की कार के अंदर सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर के ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा नीचे बम्पर काफ़ी स्टाइलिश मिलता है और रिफ्लेक्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया दिखता है। उसके अलावा दोस्तों, बूट गेट को एग्जिट ओपन और बंद करने के लिए आप अपने आसानी से यहाँ पे मैग्नेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चाबी है तो आप बूट गेट को बहुत आसानी से खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है ऊपर की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेट का ऑप्शन आपको मिलता है, इसको आप इजीली प्रेस करेंगे तो आपका बूट गेट इजीली ओपन हो जाता है। उसके अलावा तकरीबन 280 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छी फंक्शन के साथ ये मिलता है। उसके अलावा देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्लीन आपको यहाँ पे केबिन मिलता है बूट का, काफ़ी बढ़िया से यूटिलाइज किया गया है। उसके अलावा दोस्तों, नीचे आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन दिख जाता है। तो दोस्तों, स्पेयर व्हील देख सकते हैं आपको एक साइज छोटा मिलता है, बिकॉज
एज पर द न्यू गाइडलाइंस, और इस पर स्पीड लिमिट भी लिखी है, आप 80 के ऊपर इस टायर पे गाड़ी को रन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये सेफ्टी के पैरामीटर्स हैं जिनमें आपकी सेफ्टी को ध्यान रखा जाता है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं आपको रियर जो ग्लासेस पे मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया ऑप्शन देखने के लिए हाई स्टॉप माउंट आपको LED लाइट के साथ मिलता है, उसके अलावा ऊपर की तरफ आपको एंटीना मिल जाता है, साथ में ग्लास में ही आपको डीफोगर का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें आपको वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता बिकॉज सेडान कार में आपको वाइपर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। दोस्तों देख सकते हैं यह है इसका रियर लुक जो काफ़ी बढ़िया दिखता है। बाकी चलिए दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर साइड विंडो के बारे में, तो काफ़ी स्टाइलिश से आपको ड्राइवर साइड विंडो मिलने वाली है, आपको यहाँ पे फैब्रिक ट्रिम आपको यहाँ पे मिल जाता है, साथ में देखने के लिए ट्रिम आउट्स, साथ में आपको वुडन के कुछ ऑर्नामेंट्स मिल जाते हैं जो काफ़ी बढ़िया लुक देते हैं, उसके अलावा पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, साथ में मिरर लॉक का बटन मिल जाता है, उसके अलावा आउटसाइड मिरर को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल करने का ऑप्शन है और मिरर को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, साथ में मिल जाता है आपको क्रोम कट डोर हैंडल जो काफ़ी बढ़िया डिसेंट सा लुक देता है, उसके अलावा नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर पेपर होल्डर का स्पेस मिलता है, साथ में स्पीकर का स्पेस दोस्तों आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, और ऊपर की तरफ आपको ट्विटर का ऑप्शन भी मिल जाता है दोस्तों ZXI मॉडल के अंदर, और जो आउटसाइड मिरर है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल के साथ आपको अवेलेबल होते हैं इस मॉडल के अंदर। बाकी आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन को स्टार्ट स्टॉप करने का बटन मिल जाता है जो क्रोम फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होता है जो काफ़ी बढ़िया लुक देता है, उसके अलावा दोस्तों आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, हेडलाइट की लेवलिंग आपको यहाँ मिल जाती है, और आपके हिल होल्ड फंक्शन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, उसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इंटीरियर आपको अवेलेबल होता है कार का, आपको डुअल टोन का ब्लैक एंड बेज कलर का ये इंटीरियर अवेलेबल होता है जो काफ़ी बढ़िया डिसेंट सा और प्रीमियम लुक देता है इस कार को। बाकी चलिए मैं आपको एक बार अंदर से दिखाता हूँ इसको पूरा व्यू, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है आपको काफ़ी बढ़िया स्टीयरिंग जो आपको फ्लैट बॉटम ऑप्शन के साथ अवेलेबल होता है, उसके अलावा उसमें आपको मिल जाता है नीचे वुडन का ऑर्नामेंट देखने के लिए जो काफ़ी क्लीन मिलता है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होता है जो इसकी लुक है काफ़ी बढ़िया बन जाती है, और साथ में लेदर वैप तो मिलता ही मिलता है इसके अंदर, और आपको स्टीयरिंग पे ही कंट्रोल्स मिल जाते हैं म्यूज़िक स्टीरियो के, आप देख सकते हैं कभी काफ़ी बढ़िया से ये आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और जो इसकी हेडलाइट वगैरह के जो हैंडल्स हैं वो काफ़ी पीछे की तरफ दिए गए हैं जिनको यूटिलाइज़ करने में काफ़ी सहूलियत आपको मिलती है। उसके अलावा दोस्तों आपको मैं इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिखा देता हूँ जो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन के साथ अवेलेबल होता है, आप देख सकते हैं सारे ही फंक्शन डिजिटली और एनालॉग दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं आपको। बाकी दोस्तों टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप इसको हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, साथ में जो ड्राइवर साइड सीट है आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फैब्रिक लेदर सीट कवर के साथ ये ऑप्शन के साथ अवेलेबल होती है, साथ में ड्राइवर साइड सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के हिसाब से। बाकी दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन इसमें सीट कवर एडोन है, यानी कि ये डिमांड पे सीट कवर लगाए गए हैं, तो जनरली आप अपनी सीट कार की सीट पे भी ये सीट कवर एडोन करा सकते हैं, और टिल्टेड हेडरेस्ट आपको मिलते हैं हाइट के हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अंदर बैठ के मैं आपको केबिन का व्यू दिखाता हूँ दोस्तों कैसा व्यू आने वाला है आपको। उसके अलावा दोस्तों ऑटोमेटिक मॉडल है तो देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश आपको गियर डोम मिल जाती है जिसमें सिल्वर एक्सेंट का काम आपको देखने के लिए मिलता है, साथ में गियर नॉब काफ़ी फिनिशिंग आपको सिल्वर एक्सेंट मिल जाता है, उसके अलावा दो कप होल्डर के ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाते हैं, साथ में USB ऑक्सिलरी के ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, साथ में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं जो काफ़ी बढ़िया कन्वीनियंट फीचर है, आपके केबिन को काफ़ी ठंडा करता है और आपकी सहूलत के हिसाब से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और साथ में मिल जाता है टच स्क्रीन स्टीरियो विद नेविगेशन, आईफोन कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, ऑटो, एंड्रॉइड सभी वर्जन के साथ में, बस एक ऑप्शन आपको नहीं मिलता है इसके अंदर का कैमरे का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता, बट वो मारुति जेनवेनस एसीज में आप एड ऑन करा सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के साथ आपको अवेलेबल होता है, डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, और देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको वुडन के कुछ ऑर्नामेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जो काफ़ी बढ़िया दिखते हैं, और सिल्वर एक्सेंट आपको मिलते हैं यहाँ पे AC के वेंट्स, साथ में नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग लाइट का ऑप्शन। उसके अलावा बात कर लेते हैं आपको रियर व्यू मिरर के बारे में, तो देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक आपको रियर व्यू मिरर अवेलेबल होता है, बट ये डे नाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था इसको अगर ये ऑटो अवेलेबल कराते इस मॉडल के अंदर। बाकी आपको केबिन के अंदर एक लाइट मिल जाती है, उसके अलावा एक पीछे भी लाइट आपको अवेलेबल होती है, यहाँ पे माइक का ऑप्शन मिल जाता है, और जो को ड्राइवर साइड है उस पर आपको सनवाइजर पे ही मिल जाता है वैनिटी मिरर का ऑप्शन जो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, और कुछ वार्निंग मिल जाता है, साथ में केबिन के अंदर आपको मिलते हैं सिर्फ 3 हैंडल, ड्राइवर साइड आपको बिल्कुल बेसिक अवेलेबल होता है, कोई भी डोर हैंडल वगैरह नहीं मिलता उसके अंदर। बाकी जो ड्राइवर साइड वाला आपका सनवाइजर है उस पर आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है जो काफ़ी यूटिलाइज ऑप्शन के साथ अवेलेबल होता है।
बाकी व्यू एक बार स्टेयरिंग का आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश सा व्यू आता है स्टेयरिंग का और फ्लैट बॉटम के साथ है, तो चलाने में काफ़ी आरामदायक मिलता है। उसके अलावा आप इसको टिल्ट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से। बाकी आपको काफ़ी स्टाइलिश सा मिलता है, क्रोम और सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है साथ में यहाँ पे। बाकी चलिए दोस्तों बात करते हैं रियर पैसेंजर केबिन के बारे में। तो काफ़ी बड़ा पैसेंजर केबिन आपको इस कार के अंदर मिलने वाला है और उसके अलावा यूटिलाइज की जो स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है आपको। पावर विंडो के स्विच पीछे की तरफ मिल जाते हैं, साथ में सेम आपको क्रोम डोर हैंडल का ऑप्शन मिल जाता है जैसे ड्राइवर साइड पे अवेलेबल होता है। उसके अलावा आपको पेपर होल्डर, बोतल होल्डर का स्पेस मिल जाता है, स्पीकर का स्पेस मिल जाता है। बाकी अगर केबिन की बात करें तो इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा लेग रूम, हेड रूम आपको ये कार अवेलेबल कराती है, काफ़ी बढ़िया फीचर के साथ अवेलेबल होती है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज आपको केबिन का स्पेस मिलता है इसके अंदर, काफ़ी बढ़िया दिखती है गाड़ी। और मैं आपको एक बार बैठ के भी दिखाऊंगा क्या क्या फंक्शन आपको मिलते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं बीच में सेंटर में, बिल्कुल पीछे वाली जो सीट है उसके अंदर, और जो हेडरेस्ट है वो आपको हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल मिलता है, आप इनको हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एसी के वेंट आपको मिल जाते हैं पीछे की तरफ, और साथ में मिलता है चार्जिंग सॉकेट भी। और उसके अलावा लेग रूम आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज लेग रूम आपको मिलता है इस केबिन के अंदर, मतलब मैं बैठूंगा उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें मिलेगा आपको। दोस्तों देख सकते हैं ड्राइवर सीट नॉर्मल पीछे है बिल्कुल एकदम, उसके अलावा भी देख सकते हैं मैं कितने आराम से यहाँ सिटिंग पोस्चर में बैठ पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है 1200 cc वाला, 1200 cc वाला इंजन जो आपको मिलता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप के साथ में। प्लस आपको इसमें मिलते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के ही ऑप्शन, और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें डुअल ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप उसको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन के साथ चला सकते हैं। और अगर बात करें इसकी पावर के बारे में तो ये पावर जनरेट करता है 90 PS एट 6000 RPM पे, और उसके अलावा अगर टॉर्क की बात करें तो 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4400 RPM के साथ में, जो काफ़ी बढ़िया आपको मिलती है पावर। उसके अलावा बात करते हैं माइलेज में, तो इकलौती कार है जो ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी लगभग 24.5 का एवरेज क्लेम करती है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप फाइनेंस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या नई कार खरीदना चाहते हैं तो नीचे मेरा गूगल डिस्क्रिप्शन फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आप मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस पे भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं फाइनेंस के, आप कहाँ से फाइनेंस ले सकते हैं, किस बैंक से आपको ऑफर मिल सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको इस नीचे लिंक में अवेलेबल हो जाएगी। आप अपना बस सिर्फ मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल कराइए, आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिलेगी। और अगर आप कोई नई कार भी लेना चाहते हैं तो आप अपना गूगल फॉर्म भर के मुझे डिटेल शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक और नई अपडेट वीडियो के साथ में। अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि ये सब आपकी सुरक्षा और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने हैं। चलिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।